स्वागत है आप सबका मेक मनोरंजन सेशन में। आज हम सीखेंगे व्याकरण को एक अनूठे तरीके से। चलिए आज हम जानते हैं क्रिया के बारे में। उससे पहले मैं सुनाती हूँ आप सबको एक कविता। ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, सोते सोते भूख लगी, खाली बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। इस कविता में हमने देखा कि बहुत क्रिया शब्दों का प्रयोग किया गया है। पहले जानते हैं क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया का अर्थ है कार्य करना। जिन शब्दों या पदों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या क्रिया हो रही है उसे क्रिया कहते हैं। इस कविता में क्रिया शब्द है सोते सोते, चलता, होता, भूख लगी, खा लो। मुझे पूरी आशा है आप सबको हिंदी व्याकरण के बारे में एक और जानकारी मिली। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। अब आप सब इस वीडियो को अपने घर वालों को बताएंगे और कमेंट भी करेंगे कि आज आपने क्या क्या सीखा। तब तक के लिए टाटा।